नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात के कच्छ में टकराने के बाद बिपरजॉय तूफान अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि राजस्थान में रविवार तक इसका असर रहेगा। यहां के कई इलाकों में भारी से हल्की बारिश होगी। उधर गुजरात में अपने पीछे बड़ी तबाही छोड़ गया है, लेकिन स्थानीय नागरिकों, प्रशासन और सरकार के प्रयास से बड़ी जनहानि को रोकने में कामयाबी मिली है। सरकार ने तूफान मैनेजमेंट पर ओडिशा मॉडल को अपनाया। बिपरजॉय के गुजरात तट से टकराने की 72 घंटे पहले ही पुष्टि हो गई थी। इसके बाद सरकार और राहत दलों ने बेहद तेज रफ्तार में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई और केंद्रीय मंत्रियों की टीम गुजरात भेजी। गांधीनगर में गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मोर्चा संभाला और हालात पर नजर रखी। तूफान से कच्छ, सौराष्ट्र के 8 जिलों से ज्यादा नुकसान हुआ है। बिपरजॉय तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होने की आशंका जताई है। शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के ऊपर तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। एनडीआरएफ के डीजी करवाल के मुताबिक राजकोट छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। उधर गुजरात में मौसम सामान्य होते ही विस्थापितों को फिर से बसाने का काम शुरू होगा, साथ ही तूफान से हुए नुकसान का सर्वे भी होगा। इसी के साथ